सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे जो मेरा फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर आने वाला था तो ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यानी कि ऑर्डर बोलता है ऑर्डर नॉट प्लेस्ड। ठीक है, आपको भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो आई होप अगर आप लोग भी यही प्रॉब्लम से गुजर रही हो, यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऑर्डर नॉट प्लेस्ड, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, यहाँ पे देखने मिलता है ऑर्डर नॉट प्लेस्ड, इस पर क्लिक करता हूँ। यह बोलता है आप लोग जैसा कि देख सकते हो मेरा ऑर्डर 8 मई का ऑर्डर था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोलता है योर पेमेंट वॉज नॉट कन्फर्म बाई द बैंक। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर होता है आपने बैंक से आपने पैसे को यानी कि पे किए हैं तो उसका जो पैसा होता है वो कन्फर्म नहीं हुआ है, तो इसलिए यह प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से टेक्निकल इशू या फिर कोई भी बैंक से रिलेटेड इशू आ रहा है, आपने पे भी कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको वो भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ये क्रोमा की है ना, इसको मैं मंगा रहा था। पहले बोलता था कि आप लोग 50 रुपये पहले पे करेंगे उसके बाद आपका ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी, तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा हिंदी में भी देखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हो इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएंगे, पहले मैं यहाँ पे पैसे को ऐड बता रहा है, पैसे को ऐड करो तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग पेमेंट वाले सेक्शन पर आ जाते हो और दैट इज पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिलता है कैश ऑन डिलीवरी, आपको पहले 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ऑर्डर होता है ना, बार बार कैंसिल हो जाने के रीज़न से आप लोग जो कैश ऑन डिलीवरी होती है ना वो डीएक्टिवेट कर दी जाती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन मिलता है पहले आपको पे करने पड़ेंगे। आई सपोज मैंने पे कर भी दिए थे, इनके पे कर दिए थे लेकिन यहाँ पे मेरा पैसा चला जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर से दोबारा पे का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको पैक करेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को पहले हम बैक करके दिखाएंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। ठीक है, अगर सपोज़ आपने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया और तभी भी ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आती है, आपने कोई भी पैसे को कैश नहीं दिया, यानी कि पैसे को नहीं कैश दिया आपने और ना ही आपने अपने UPI से दिया है, ठीक है, कोई भी नहीं है, तभी भी यही प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिकली। कोई भी पैसे आप लोग ऑर्डर को कोई भी ऑर्डर को आप लोग ऑनलाइन करते हो और ऑर्डर करते हो तो ऑटोमेटिकली यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर नॉट प्लेस्ड आ जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है कि आपके जो पिन कोड डाला होता ना उसके पिन कोड पे जो एरिया का होता है ना वो ट्रैक कर दिया जाता है और आप लोगों ने ज़्यादा बार कैंसिल किया है तभी भी यही प्रॉब्लम देखने मिलती है। अगर ज़्यादा बार ऑर्डर नहीं कैंसिल करते हो और ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आ जाती तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि आती है इसलिए आती है कि वो आपका जो ऑर्डर होता है आपके एरिया तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो ऑर्डर है ना जो इसके प्राइसेस कम हैं, लोअर प्राइसेस का ये ऑर्डर है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, और जो कोरियर लेके आएगा इससे ज़्यादा उसका चार्ज लग जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे ज़्यादा इलाके में नहीं, बड़े हाईली क्वालिटी इलाके में नहीं रहता हूँ, पिछड़े इलाका में रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया है कि आपका जो ऑर्डर नहीं आ पाएगा, इस तरीके से नहीं आ पाएगा। इसके बाद आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे मैंने ऑर्डर कैंसिल किए हैं, आप लोग जैसे कि देख सकते हो प्ले डिलीवर होने के बाद यहाँ पे कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, ये सारे को ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्डर कैंसिल हो जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसको ठीक करना है प्रॉब्लम को तो पहले से हमें आपको अपना जो हिस्ट्री होता है दूध खाएंगे, अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे देखने मिलता है आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है हेल्प सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। हेल्प सेंटर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। यहाँ पे आप लोगों को कस्टमर केयर से बात करनी होगी। पहले यहाँ पे बोलता है आप लोग पहले ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे आप सकते हो यहाँ भी कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना ब्राउज़र हेल्प टिप्स, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर आप कोई अपना एक और रीजन चूज़ करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, इसके बाद आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसके बाद यहाँ पे इशू रिलेटेड टू ऑन अदर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आपका जो भी होगा चूज़ करेंगे। इसके बाद डिटेल आ जाती है,
इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हेल्प नीड पर क्लिक करेंगे। हेल्प नीड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। इसके बाद यहाँ से इस माध्यम से चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। चैटिंग से आप लोग समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग बैक आएंगे, ठीक है। आप बैक आएंगे, आप बैक आने के बाद फिर से आपको अकाउंट सेक्शन में आते हैं। उसके बाद हेल्प सेंटर पर आते हैं। हेल्प सेंटर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है, आई वांट हेल्प विद अदर इशू। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको अदर्स पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिला है कॉल मी बैक, इस पर क्लिक करेंगे। 11 मिनट के अंदर में आपकी कॉल आ जाएगी। लैंग्वेज चूज़ करेंगे, किस लैंग्वेज में आप लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं हिंदी को चूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हो, कोई भी मैसेज, तो मैं यहाँ पे अपना नाम ही कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे आपकी 15 मिनट के अंदर अंदर कॉल आ जाएगी, ठीक है। उसके एजेंट से आपको कस्टमर केयर से बात करनी होगी और बताना होगा कि सर जो मेरा ऑर्डर होता है, जो प्लेस्ड हो जाता है, यानी कि जो ऑर्डर मेरा मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो मेरा ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर नॉट प्लेस्ड हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उनको बताना है। और मेरा पैसा यार कि आपने पे भी किए होंगे कुछ, तो वो भी आपको बता देना होगा, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉब्लम होती है आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है, 12 से 24 घंटे के में। अगर आपका पैसा चला भी जाता है, आपने पैसे पे कर भी देते हैं, तो 12 से 24 घंटे या फिर 8 से 9 घंटे में आपका जो पैसा होता है रिटर्न वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे को पेटीएम को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पेटीएम ओपन किया है मैंने, जो रिफ़ंड कैसे किया था वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि लोडिंग ले रहा, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद बैलेंस हिस्ट्री पे आना है। बैलेंस एंड हिस्ट्री पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो बैलेंस हिस्ट्री, और नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे मिलता है कई ऑप्शन, ठीक है। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे पेड किए थे फ्लिपकार्ट के 50 रुपये, लेकिन यहाँ पे प्लस होके अब वापस आ गए, देख सकते हो। और रिफ़ंड, ठीक है, रिफ़ंड फ्रॉम यहाँ पे देखने मिलता है फ्लिपकार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो पैसा चला जाता है तो 1 से 2 घंटे या फिर 12 से 8-9 घंटे में आपका पैसा रिफ़ंड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। फ्रेंड्स तो कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। मैंने सारा का सारा यहाँ पे जो एरर था, सारा का सारा प्रॉब्लम थी, पूरी इस वीडियो में कवरेज कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।